Let's resume. So we have so far completed some other part of demand and supply. We are coming towards the final part of it. Let's begin. फिर एक बार लिखेंगे ए बी एंड सी। समझ लेना, आपका इनकम बढ़ गया तो आप शिफ्ट करोगे बी से सी की तरफ, ज्यादा डिमांड करोगे।
फिर समझ लेना आपका इनकम कम हो गया, तब आप बी से ए की तरफ शिफ्ट करोगे, सो ये बी टू सी आ जाएगा, इंक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड, वेर एज बी टू ए आ जाएगा डिक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड. सो हियर डिमांड इज चेंजिंग ड्यू टू फैक्टर्स अदर देन प्राइस, इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ डिमांड. गाइस कॉपी एकदम फास्ट करना है ना. उसके आगे हम जाएंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इलास्टिसिटी होता है प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड, प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड अपॉन प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस, प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड अपॉन प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस. जिसका फॉर्मूला आता है, फाइनल फॉर्मूला है, जिसका फाइनल फॉर्मूला है डी क्यू बाई डी पी इंटू पी बाई क्यू. डी क्यू इज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, डी पी इज चेंज इन प्राइस, पी इज ओरिजिनल प्राइस एंड क्यू इज ओरिजिनल क्वांटिटी. सो दिस इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इलास्टिसिटी का मतलब होता है रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड. चलो स्पीड पकड़ना है गाइस, एकदम फास्ट लिखना है. हो गया लिख के चलो. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, जिसमें पांच बातें आएंगी. पहला है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इलास्टिक में आप लिखेंगे ईपी इज इंफिनिटी. और यहां पे ग्राफ कैसा रहता है, पैरेलल टू विच एक्सिस, एक्स एक्सिस. क्योंकि ये प्राइस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, सो दिस इज परफेक्टली इलास्टिक. नेक्स्ट इज परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक में द ग्राफ विल बी पैरेलल टू वाई एक्सिस and EP will be equal to 0 and EP will be equal to 0. अगला आएगा relatively elastic. relatively elastic में EP will be greater than 1 एंड ग्राफ थोड़ा सा ऐसा फ्लैट सा आएगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. अगला है रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड वेयर ई पी इज लेस देन वन. ग्राफ आएगा थोड़ा सा ऐसे कम फ्लैट, ज्यादा स्लोप वाला, ई पी ग्रेटर देन वन. एंड द लास्ट वन इज
unitary elastic demand, where EP will be equal to 1. ग्राफ एक्सैक्टली ऐसे बीच में अच्छा वाला दिखेगा क्यूरी एंड प्राइस. अगला है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. नेक्स्ट इज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. फिर से इसमें पांच बातें आएंगी लेकिन ग्राफ नहीं आएगा. दैट्स लाइक सच अ रिलीफ. पहला है परफेक्टली इलास्टिक. फिर आएगा परफेक्टली इन इलास्टिक जो आएगा जीरो. फिर आएगा रिलेटिवली इलास्टिक जो आएगा ईवाई ग्रेटर देन वन. फिर आएगा रिलेटिवली इन इलास्टिक ey less than 1. And the last one is unitary elastic where ey is equal to 1. Unitary elastic where ey is equal to 1. Khatam. Huh? I couldn't hear. Yes, yes, yes. Rectangular hyperbola. So, पहला हो गया price elasticity. What's going on? दोनों को बाहर भेज दो. नेक्स्ट इज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. क्रॉस इलास्टिसिटी में एक का प्राइस और दूसरे का डिमांड चेक करेंगे. सो दैट इज प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड ऑफ एक्स अपॉन प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस ऑफ वाई. हो सकता ग्राफ पर क्वेश्चन देती हूँ. प्रोपोर्शनेट चेंज कैसे करेंगे? चेंज अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी, चेंज इन प्राइस अपॉन ओरिजिनल प्राइस. अब इसे मैथमेटिकली एडजस्ट करो तो ये कुछ ऐसा दिखेगा. I mean,
Lockwood. Next is methods of measurement of elasticity of demand. Methods of measurement of elasticity of demand. सिर्फ इतना पार्ट में आपको छोड़ने वाली हूँ, परसेंटेज मेथड, टोटल आउटले मेथड, पॉइंट मेथड एंड द लास्ट वन इज आर्क मेथड. पॉइंट मेथड एंड द लास्ट वन इज आर मेथड. चलो कर लेते. परसेंटेज मेथड इज सेम एज इलास्टिसिटी. यहाँ पे कोई फर्क नहीं है. इज सेम एज इलास्टिसिटी. अभी आउटले का मतलब होता है एक्सपेंडिचर. आउटले का मतलब होता है एक्सपेंडिचर. एक्सपेंडिचर पर यस इलास्टिसिटी टू सर्टन एक्सटेंट डिपेंडेंट है. अगर प्राइस घटने पर टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज होता है तो आपका जो ईपी है वो ग्रेटर देन वन आएगा. आउटले यानी कि एक्सपेंडिचर. टोटल एक्सपेंडिचर कॉन्स्टेंट रहता है फॉर इंक्रीजिंग ऑफ प्राइस और डिक्रीजिंग ऑफ प्राइस. फॉर इंक्रीजिंग ऑफ प्राइस और डिक्रीजिंग ऑफ प्राइस तो ईपी इज कॉन्स्टेंट. एंड द लास्ट वन, प्राइस घटने पर टोटल एक्सपेंडिचर भी घट जाता है तो आपका ईपी विल बी लेस देन वन. ये तीन केसेस हैं. ये तीन केसेस इन टोटल आउटले मेथड. पॉइंट मेथड, एट पॉइंट ए इलास्टिसिटी कैसे फाइंड करें. एट पॉइंट ए इलास्टिसिटी इज इक्वल लोअर सेगमेंट अपॉन क्या होता है अपर सेगमेंट. लोअर सेगमेंट अपॉन होता है अपर सेगमेंट. बस इतना काफी है. आर्क मेथड मैं आपको होमवर्क के लिए दे रही हूं, ये आप करना. आर्क मेथड अगला टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. अब अगर मुझे क्लास में कोई भी फोन के साथ खेलता नजर आया तो फोन खिड़की के बाहर फेंक दूँ. आई एम नॉट किडिंग. नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. Elasticity of demand. क्यों इंपॉर्टेंट है? चार पांच पॉइंट से गाइस. बिजनेस डिसीजंस लेने के लिए
नेसेसरी है। अगर आपकी इलास्टिसिटी ज़्यादा है तो प्राइस कम सेट करना, इलास्टिसिटी कम है तो प्राइस ज़्यादा सेट करना, ये बिजनेस डिसीजन है। मोनोपोलिस भी यही लेगा डिसीजन, इलास्टिसिटी कम होने पर ये सीनियर आएगा मोनोपोलिस। तीसरा है डिटर्मिनेशन ऑफ फैक्टर प्राइस, डिटर्मिनेशन ऑफ फैक्टर प्राइस। हायर इज द इलास्टिसिटी, लोअर इज द फैक्टर प्राइस, एंड लोअर इज द इलास्टिसिटी, हायर इज द फैक्टर प्राइस। दैट्स डिटर्मिनेशन। नेक्स्ट इज रूट फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, रूट फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। इसका बस एक्सप्लेनेशन सुन लेना। अगर आपके एक्सपोर्ट्स इनइलास्टिक है या आपके पास अल्फांसो मैंगो जैसी कोई बहुत एक्सक्लूसिव चीज है तो आप क्या कर पाओगे, ज़्यादा प्राइस सेट कर पाओगे, क्योंकि आपके अलावा वो गुड्स कोई और सप्लाई नहीं कर सकता। ठीक है, नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज टू गवर्नमेंट। जैसे पब्लिक यूटिलिटीज ले लो, जैसे बसेस एंड ऑल दैट, जिनका इलास्टिसिटी क्या होता है, कम होता है, तो गवर्नमेंट ऐसी सिचुएशन में प्राइजेस भी कम सेट करती है, क्योंकि गवर्नमेंट का मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। बिजनेस वाले बाकी के लोग क्या करेंगे, इलास्टिसिटी कम है तो प्राइस ज़्यादा सेट करेंगे प्रॉफिट लाने के लिए, गवर्नमेंट वो नहीं करेगी। गवर्नमेंट क्या करेगी, अगर कम इलास्टिक है तो प्राइस क्या करेगी, प्रणव ज़्यादा सेट करेगी। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी। नेक्स्ट इज डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी। पहला है नेचर ऑफ कमोडिटी। अगर कॉमन सॉल्ट है तो इलास्टिसिटी क्या होगा, एकदम कम। लग्जूरियस चीज़ें हैं तो इलास्टिसिटी ज़्यादा हो सकती है। दूसरा है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। अगर आपका गुड ऐसा है जो आसानी से सब्स्टिट्यूट हो सकता है तो इलास्टिसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि लोग इमीडिएटली आप प्राइस बढ़ाएंगे तो कहीं और पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट इज वैरायटी ऑफ यूजर्स। जैसे इलेक्ट्रिसिटी, हायर इज द इलास्टिसिटी। जैसे इलेक्ट्रिसिटी समझ लेना। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी ऑफ पोस्टपोनमेंट। जैसे कोरोना के टाइम पे रेमडेसिविर, अदरवाइज इंजेक्शन 8,000 की है, लेकिन कोरोना के टाइम पे 50,000 60,000 कितने में मिल रही थी, क्योंकि पोस्टपोनमेंट क्या था, पॉसिबल नहीं था। सो अगर पॉसिबिलिटी ऑफ पोस्टपोनमेंट ज़्यादा है तो इलास्टिसिटी क्या होगी, कम होगी, एंड वाइस वर्सा। टू द एक्सटेंट पॉसिबल सब कुछ अभी लिख दो गाइस, थोड़ा स्पीड हायरों को लिखने का, आर्मी वगैरह नहीं होता है। एंड द लास्ट वन इज ड्यूरेबिलिटी। Higher it has the elasticity. जैसे एयर कंडीशन,
पास फिनेंशियल क्रंच आ गया तो बंदा एयर कंडीशनर क्या करेगा, एसी बाद में खरीद लेगा, क्योंकि तो बाकी की चीज़ें फिलहाल में क्या है, ज़्यादा ज़रूरी है। डिमांड यहाँ पर खत्म होता है, लेट्स गो टू सप्लाई। सबसे पहला डेफिनेशन है स्टॉक वर्सेस सप्लाई। सप्लाई जो है वो सेल करने के लिए अवेलेबल है, आई बात समझ में? जैसे आम लोग बहुत कच्चा ही उतारते हैं पेड़ों से, फिर उन्हें पकने तक थोड़ा वेट करते हैं, फिर बेचते हैं। सो सारा का सारा स्टॉक सप्लाई नहीं होता, सप्लाई वो चीजें हैं जो बिकने के लिए अवेलेबल है। अगला है लॉ ऑफ सप्लाई, बोलो नहीं गाइस। हायर इज द प्राइस, हायर इज द क्वांटिटी सप्लाई, कीपिंग अदर थिंग्स कॉन्स्टेंट। कीपिंग अदर थिंग्स कॉन्स्टेंट। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस क्या हैं? सबसे पहला एक्सेप्शन है रेयर गुड्स का, और दूसरा एक्सेप्शन है सप्लाई ऑफ लेबर का। रेयर गुड्स में समझ लेना, क्या आप अगस्त में सितंबर में भी आम खाना चाहेंगे? Why not? But is it available? The answer is no. So rare goods, जो mango अभी commonly मिल रहा है वो November में क्या हो जाएगा? Rare goods हो जाएगा, मिलेगा नहीं, चाहे आप कितना भी price pay करो। Supply of labor curve जो है ये backward bending होता है, this is backward bending, यानी कि आप ऐसे सीधे जाओगे फिर backward हो जाओगे। कैसे? दो चार पाँच ज़्यादा छः आठ दस, आपने अपने लेबरर्स को बोला भैया तुम एक्स्ट्रा काम करने के लिए आ जाओ, तुमको क्या करेंगे? एक्स्ट्रा पैसे देंगे, ठीक है? फिर क्या हो गया, एक लेवल ऐसा आ गया 10 घंटों पर, जब आप अपने 12,000 पे किया, उसे लगा यार मेरा महीने का खर्चा तो 10,000 है, इनफैक्ट 2,000 मैंने एक्स्ट्रा कमा लिए। अब ना 13,000 मिलने पर भी मैं एक्स्ट्रा काम नहीं करूँगा, इनफैक्ट 13,000 मिलने पर मैं सिर्फ 8 ही घंटा काम करूँगा, क्योंकि मेरे नेसेसिटीज क्या है, फुलफिल हो गए। लेबर क्लास का एक डिफरेंस ये होता है, डिफरेंट फीचर ये होता है दैट उनमें एम्बिशन की कमी है और उनके ज़रूरतें भी क्या है, लिमिटेड है। तो ज़्यादा पैसे देने पर ये लोग एक्स्ट्रा काम करेंगे, इसकी कोई गारंटी अश्योरेंस नहीं है। सो द सप्लाई कर्व इज बैकवर्ड बेंडिंग। है चेंज इन सप्लाई, पहला आएगा ड्यू टू प्राइस एंड ये आएगा ड्यू टू फैक्टर्स अदर देन प्राइस। गाइस तुमको जो भी बातें करनी है इस हिसाब से करना, जब तक 5 चैप्टर्स नहीं होते हैं मैं छोड़ने नहीं वाली हूँ। अभी सिर्फ सेकंड पे हूँ, अगर आपने टाइम पास किया स्लो लिखा तो आपको ज़्यादा से पड़ेगा। फास्ट लिख रहे हैं ना, अगर चेंज इन सप्लाई ड्यू टू प्राइस है तो द मूवमेंट इज अलोंग द कर्व। ड्यू टू फैक्टर्स अदर देन प्राइस है
take minute guys. There is a shift in curve. So there is a shift in curve. So jahan pe this is quantity supplied and this is price. जाएगी 10 से 20 से 30 वैसे सप्लाई बढ़ रहा है 50 से 100 100 से 150 सो बी टू सी में क्या हो रहा है एक्सपांशन ऑफ सप्लाई वेयर एज बी टू ए क्या हो रहा है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई बिकॉज द प्राइस इज डिक्रीज बिकॉज द प्राइस इज डिक्रीज क्लियर नाउ शिफ्टिंग कर्व में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है ये मेरा ओरिजिनल सप्लाई कर्व है ये क्वांटिटी सप्लाइड है और ये मेरा प्राइस है प्राइस जब बढ़ता है ना तो ग्राफ एक्चुअली नीचे की तरफ शिफ्ट होता है एंड प्राइस जब घटता है तो ग्राफ एक्चुअली ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है वैसे भी ये प्राइस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है नहीं एक्चुअली इंक्रीज डिक्रीज ले रहे ना ठीक है एक काम करो एक मिनट गवर्नमेंट पॉलिसीज लेते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज आर चेंजिंग प्राइस इज कॉन्स्टेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज आर चेंजिंग तो पहले केस में सप्लाई बढ़ा दिया एक मिनट गाइस एस से एस वन हो गया तो इट इज नथिंग बट इंक्रीज इन सप्लाई दिखाई दे रहा है आपको 50 से 100 और 100 से 150 सो 100 से 150 जाएंगे तो सप्लाई क्या हो रहा है इंक्रीज एंड 100 से 50 की तरफ जाएंगे तो सप्लाई क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है सही से लिख के लेना ठीक है सो व्हेन सप्लाई इज इंक्रीजिंग शिफ्ट कहाँ है डाउनवर्ड शिफ्ट है एंड व्हेन सप्लाई इज डिक्रीजिंग शिफ्ट कहाँ है ऊपर की तरफ अपवर्ड्स शिफ्ट है नेक्स्ट इज डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई नेक्स्ट इज चला नहीं Now, the next is determinants of supply. Now there are 9 points, जिसमें से function में कुछ points cover up हो जाएंगे. कैसे? Supply is a function of price of the commodity.
price of commodity, price of inputs, technology, weather conditions and government policies. ये तो determinants of supply में है जो direct functional relationship में है. एंड इसके अलावा और क्या क्या है, प्लस एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइसेस. प्लस प्राइसेस ऑफ अदर कमोडिटीज. Number of firms in market. And then last one is natural factors. जैसे कोई calamity आ गई, accident हो गया, उस case में भी क्या हो जाएगा, supply affect हो जाएगा. Next is elasticity of supply. Which is proportionate change in supply upon proportionate change in price. Change in quantity upon original quantity upon change in price upon original price. Next is type of elasticity of supply. Types of elasticity of supply. अजून वरती परफेक्टली इलास्टिक में द ग्राफ इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. दूसरा है परफेक्टली इनइलास्टिक. The graph is parallel to y-axis. Then we have relatively elastic. ES greater than 1. Graph thoda aisa flat aayega. ग्राफ थोड़ा ज्यादा से खड़ा आएगा. एंड देन यूनिटरीली इलास्टिक.
ट्रैफिक सैटली बीच में आएगा यूएस एंड प्राइस डन नो मैम These are the five cases of elasticity. Next is determinants of elasticity of supply. Next is determinants of elasticity of supply. पहला है नेचर ऑफ कमोडिटी हायर इज द ड्यूरेबिलिटी हायर मोर इलास्टिक इज द सप्लाई दो चीजें हैं एक तो है शॉर्ट ड्यूरेबल शॉर्ट ड्यूरेशन एंड दूसरा है लॉन्ग ड्यूरेशन शॉर्ट ड्यूरेशन में सप्लाई हमेशा इलास्टिसिटी हमेशा लेस देन वन आएगी लॉन्ग में इट इज मोर सेंसिटिव शॉर्ट में इट इज लेस सेंसिटिव शायद बहुत शॉर्ट टाइम में मैन्युफैक्चरिंग ही ना हो तो बढ़ती प्राइस को रिस्पॉन्ड जो करेगा उसके लिए बेनिफिशियल होता है देन है फैसिलिटीज मोर फैसिलिटीज एंड लेस फैसिलिटीज मोर होने पर क्लियरली यू कैन इमीडिएटली इंक्रीज सप्लाई लेस होने पर यू कांट बी दैट क्विक सो इट्स लेस देन वन नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा तो इलास्टिसिटी कम होगी देन वी हैव नेचर ऑफ इनपुट्स And risk taking. Risk taking ज़्यादा है तो elasticity भी ज़्यादा हो सकती है entrepreneurship के केस में छह केसेस finished. Next is cases of equilibrium. Next is cases of equilibrium. ये इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है इन जनरल जहां पे आपका सप्लाई और डिमांड ग्राफ इंटरसेक्ट करते हैं वो इक्विलिब्रियम होता है सो ये आएगी आपकी इक्विलिब्रियम प्राइस और ये आएगी आपकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी
crossing of that, intersection of that is equilibrium. Second, case one. Supply constant hai and demand is changing. ग्राफ मेरे साथ ही होगा सो वंस एवरीबडी स्टार्ट लुकिंग अप में ग्राफ एक्सप्लेन करूँ डन गाइस ये आपका समझ लेना ओरिजिनल सप्लाई कर्व है और ये ओरिजिनल डिमांड कर्व डिमांड जब गाइस ना डिमांड जब बढ़ जाता है ना तो ग्राफ ऊपर शिफ्ट होता है और कम होता है तो ग्राफ नीचे शिफ्ट होता है सो एक्चुअली डिमांड जब बढ़ता है तो ग्राफ में अपवर्ड शिफ्टिंग आती है एंड सप्लाई बढ़ता है तो ग्राफ में डाउनवर्ड शिफ्टिंग आती है ये ध्यान में रखना ये मैंने लिख के भी दिया है तो ये आपका ओरिजिनल इक्विलिब्रियम है और ये दो न्यू इक्विलिब्रियम के केसेस हैं ये ओरिजिनल प्राइस है ये P1 है और ये P2 है सो अगर मेरा डिमांड बढ़ता है तो प्राइस भी क्या होता है बढ़ता है इफ डिमांड इज इंक्रीजिंग प्राइस इज इंक्रीजिंग Demand is dropping, price is dropping. ये increase in demand है, ये decrease in demand. समझाए सबको? Supply constant रखा है, demand को change किया है. ये आपका ओरिजिनल डिमांड कर्व है समझ लेना और ये ओरिजिनल सप्लाई कर्व अब डिमांड कांस्टेंट है केयरफुली देखना सप्लाई बढ़ता है तो ग्राफ नीचे शिफ्ट होता है तो सप्लाई बढ़ गया है तो प्राइस के साथ क्या हुआ है गाइस प्राइस हो गई है कम और सप्लाई हो गया है ज्यादा यानी क्वांटिटी बढ़ गई देखा आपने पहले इतना कंप्लीट करो तीन ही केसेस बचे हैं देन दैट्स इट अब सप्लाई को आप कम कर दो तो सप्लाई ऊपर जाएगा कर S2 लिख देना ये आएगा E2 इसके करेस्पॉन्डिंग प्राइस P2 एंड क्वांटिटी आएगी Q2 ये लेक्चर अपलोड हो जाएगा तो इतना पार्ट एक बार और देख लेना इक्विलिब्रियम वाला ये इंपॉर्टेंट है बहुत proportion demand and
supply are changing in same proportion. करना क्या है, फिर बाद में ड्रॉ करना। तो ये मेरा इक्विलिब्रियम है, ये पुराना प्राइस है और ये पुराना क्वांटिटी है। दोनों ही साथ में एक जैसा बढ़ेंगे तो समझ लेना मैंने सप्लाई बढ़ा दिया। सप्लाई बढ़ जाएगा तो ग्राफ कहाँ शिफ्ट होगा, नीचे, और उतने ही प्रपोर्शन में मैंने डिमांड भी बढ़ा दिया तो उस केस में ग्राफ क्या होता है, शिफ्ट ऊपर। दोनों के केस में मूवमेंट थोड़ा अलग होता है। सो क्वांटिटी तो क्या हो गई, बढ़ गई, लेकिन प्राइस पे इम्पैक्ट क्या आया, सेम आया। प्राइस सेम है, क्वांटिटी क्या है, बढ़ गई है। डिमांड सप्लाई दोनों सेम प्रपोर्शन में इंक्रीज हुए हैं। लिखो by 20% and supply is changing by 10%. Original supply to original demand to original equilibrium, original price, original quantity. गाइज डिमांड ज़्यादा चेंज हो रहा है तो डिमांड को बहुत ज़्यादा ऊपर शिफ्ट कर रहा है डिमांड, और सप्लाई कम चेंज हो रहा है तो सप्लाई को थोड़ा ही शिफ्ट करना। तो क्वांटिटी और प्राइस में क्या फर्क नजर आ रहा है, दोनों ही बढ़ रहे हैं, दिखाई दिया, दोनों ही बढ़ रहे हैं। बैक घर और घर जाओ, बैक घर और घर जाओ। अभी मेरे भी घर से 100 मैसेजेस आते हैं, मैं हर मैसेज का रिप्लाई नहीं करता। तो बाहर जाओ, कॉल करके बात करो। और वो घर से आ रहे कि कॉलेज से आ रहे, तो इस हद है यूजलेसनेस की, इस शर्म की बात है कि तुमको हमें बताना पड़ रहा है फोन दूर रखो। हमारे पास काम धंधे नहीं है इसलिए नहीं, एक दिन में निपटा सकती हूँ ना मैं, क्या जरूरत है मेरे को। ये जनरेशन है कल की सीएमए बनेगी, लास्ट केस। मैंने भी वही करना चाहिए था, एक दिन में निपटाती हूँ, जो भी तुम्हारा होता है होने दो, बाकी किसी ने 2 दिन 3 दिन नहीं लिया, आई थिंक सिर्फ शुभम सर ने लिया था। मैंने भी, हमने भी वही करना चाहिए, यू डोंट डिजर्व आवर टाइम। कम कर रहे हैं, डिमांड जब बढ़ता है तो ग्राफ ऊपर शिफ्ट होता है, और सप्लाई जब कम होता है तब भी ग्राफ एक्चुअली क्या होता है, ऊपर ही शिफ्ट होता है।
सो ये मेरा नया डिमांड कर्व है, ये सप्लाई कर्व है. क्लियरली दोनों ही केसेस में प्राइस इज ऑल्सो इंक्रीजिंग एंड क्वांटिटी इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. The third one is theory of production. Give heading theory of production. Chapter बहुत छोटा सा है. In fact इसके अगले वाला भी काफी छोटा है. इतना कुछ ज्यादा है नहीं उसमें. Next is theory of production. प्राइमरी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लैंड लेबर कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप. डिस्कस करेंगे. लैंड का मतलब होता है गिफ्ट ऑफ नेचर है. इट्स लाइक लिमिटेड इन सप्लाई. मोबाइल है जिसकी यूटिलिटीज मल्टीपल है. जस्ट पॉज रिकॉर्डिंग फॉर अ सेकंड गाइस. ऑलराइट. दूसरा है लेबर. लेबर के केस में अगर किसी एक दिन समझ लो लेबर ने छुट्टी लिया तो उस दिन तो काम वेस्ट हो गया. दूसरा लेबर का जो सप्लाई कर्व है वो भी बैकवर्ड बेंडिंग है. हमने वो एक्चुअली ग्राफ ऑलरेडी ड्रॉ किया है. कैपिटल यानी कि पैसा, ये भी चीज अपने आप से कुछ नहीं कर सकती. यू विल हैव टू एम्प्लॉय. आपको मशीनरी लानी पड़ेगी, आपको उसे मैनेज करना पड़ेगा. ये सारी चीजें आएंगी कैपिटल में. एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि वो ब्रेन है जिसमें सारी चीजें इकट्ठा रखने की ताकत है. कौन सी चीजें इकट्ठा रखेगा? लैंड लेबर कैपिटल और इसके अलावा रिस्क टेकिंग सबसे जरूरी. जैसे समझ लेना एप्पल का नया वर्जन मार्केट में आता है तो ये लोग पुराना अपडेट देके स्लो कर देते हैं, है ना. ये एप्पल रिस्क ही ले रहा ना. कैसे? लोगों को इतना भी ज्यादा बेवकूफ नहीं समझना चाहिए. एक दिन पता चलेगा लोगों ने एप्पल के खिलाफ कैंपेन चला दिया कि ये लोग ऐसा माल प्रैक्टिसेस करते हैं, अब हम बंद करेंगे एप्पल का प्रॉब्लम. अभी गेटिंग द पॉइंट. लेकिन फिर भी यू नो अगर आप एप्पल की बात करें, 125,000 का एप्पल का फोन कोई मतलब नहीं है. बस लोग लेते हैं, अच्छा है लेने दो. और फिर वो एप्पल के फोन के साथ वो एक एंड्रॉयड का भी फोन लेते हैं क्योंकि अपने पास लाइफ भी जीने के लिए टाइम चाहिए. नहीं तो हमेशा जान अटकी रहती है एप्पल के फोन में कि मेरा बैटरी कब डिस्चार्ज हो जाए. ठीक है. सो ये सारी चीजें आएंगी एंटरप्रेन्योरशिप में. अब हम लोग प्रोडक्शन फंक्शन में ध्यान देंगे. नेक्स्ट इज प्रोडक्शन फंक्शन. प्रोडक्शन फंक्शन में बेसिकली हम क्या करते हैं? इनपुट्स आर कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड गुड्स. इस प्रोसेस को हम लोग प्रोडक्शन बोलते हैं. इनपुट्स आर कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड गुड्स. इस प्रोसेस को हम प्रोडक्शन बोलते हैं.
factors of production, sometimes they are fixed in nature, sometimes they are variable in nature. Fixed वो होंगे जिनके charges हमें independent of usage देने होंगे, independent of usage देने होंगे. Variable वो है जो dependent on usage देने चाहिए, यानी कि raw material. यहाँ पे example आएगा payment made for raw material, and fixed में example आएगा payment made for depreciation. Payment made for depreciation. अगला है law of variable proportions. Law of वेरिएबल प्रपोर्शन. दिस इज एप्लीकेबल ओनली इन शॉर्ट टर्म. दिस इज एप्लीकेबल इन शॉर्ट टर्म. आपके लिए टेबल इतना मायने नहीं रखता क्योंकि आप एमसीक्यूज देने वाले हैं, मैं डायरेक्टली ग्राफ कराने वाले हूँ. ये टीपीपी आएगा, टोटल प्रोडक्शन. आई थिंक ये आपके पास ड्रॉ किया हुआ है, नोटबुक में है ये. जस्ट वन सेकंड. मैं नोट्स एक्सेस कर रही हूँ, एक मिनट. एपी भी दिया था ना, कुछ याद है ऐसा आपको दिया था? ठीक है, आप भी दे देते. अगर नहीं मुझे याद है दिया था, फिर ये आपका एमपी आएगा. ये आपका एमपी दिया था, मिल गए नोट्स. एक मिनट, आप ये थोड़ा ऊपर ऐसे करते हैं. ये आपका एमपी आएगा. दिस इज एमपी, एंड नीचे वाला इज एपी. सो वेरिएबल प्रपोर्शन में शॉर्ट रन में हम कुछ चीजें लाएंगे, एक्सपांशन की बात करेंगे. ये मेरा स्टेज वन है, ये स्टेज टू है, और ये स्टेज थ्री है. मेन पॉइंट्स, पहले मैं स्टेज वन के बारे में लिखूंगी. स्टेज वन, सेकंड से ड्रॉ डाला. स्टेज वन एपी एंड एमपी एक्चुअली बोथ आर इंक्रीजिंग, but at the end MP will start reducing. At the end MP will start reducing. इसका एंड तब होता है जब MP is equal to AP. इसका एंड तब होता है जब MP is equal to AP. स्टेज टू, पीपी इंक्रीज होता है, एपी भी इंक्रीज होता, बट एपी डिक्रीज होता है. टीपी इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट, लेकिन एपी अगर आप क्लियरली देखो वो ड्रॉप होना स्टार्ट होता है स्लोली स्लोली. एंड MP becomes zero. ये सबसे इंपॉर्टेंट है. ये अगर MP becomes zero का मतलब क्या है, आप एडिशनली भी अगर कुछ चीज़ें एम्प्लॉय करते हो तो उसका फायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है, जीरो है.
मार्जिनल प्रोडक्ट मतलब क्या, एडिशनल प्रोडक्शन यू आर एबल टू ड्रॉ बिकॉज यू आर पुटिंग इन एक्स्ट्रा एडिशनल इनपुट्स. फिर आएगा स्टेज थ्री, एपी सब रिड्यूस हो रहा है एंड एमपी इज नाउ निगेटिव. ब्लैंक आ रहा है शुभम, कैन यू सी इट? यहां पे प्रोजेक्टर चल रहा है अच्छे से. शुभम प्लीज कंफर्म, इज इट ब्लैंक? AP when AP is maximum, when AP is maximum. And हर एक एंटरप्रेन्योर ने, एवरी एंटरप्रेन्योर शुड ऑपरेट, everyone should operate in stage 2, everyone should operate in stage 2, har ek mein stage 2 mein operate karna chahiye. aakhri topic from this chapter, law of returns to scale, law of returns to scale. This is operative only in long run, only in long run. पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं. अगला चैप्टर होने के बाद एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, है ना? अगला चैप्टर में क्या आया, कॉस्ट वगैरह आया, स्केल ऑफ प्रोडक्शन. आज 5 टॉपिक्स कंप्लीट करेंगे फिर घर जाएंगे, ठीक है? प्लीज पेशेंस रखना तब तक. ऑलराइट, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल में बेसिकली क्या होगा, इंक्रीजिंग में अगर आप इनपुट 10-20% से बढ़ा रहे हो तो आपका जो आउटपुट है वो 40% से बढ़ेगा, यानी आउटपुट ज्यादा फास्ट बढ़ेगा. कॉन्स्टेंट में अगर आप इनपुट 20% से बढ़ा रहे हो तो आउटपुट भी 20% से बढ़ेगा. एंड डिमिनिशिंग में, डिमिनिशिंग में इनपुट आप अगर 20% से बढ़ा रहे हो तो आउटपुट जो है वो एक्चुअली 10% से ही बढ़ रहा है, और कभी कभी तो बढ़ता भी नहीं है, तकलीफ हो जाती है उसकी. तो डिमिनिशिंग क्यों होगा, क्योंकि मैनेजमेंट में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, या फिर ह्यूमन फैक्टर्स भी तो है. बहुत ज़्यादा एक्सपांशन के बाद कभी कभी पनौती भी आ सकती है,
इसलिए क्योंकि आपसे मैनेज ही नहीं हो रहा, बिजनेस इतना एक्सपांड हो गया। फिर कोऑर्डिनेशन की कमी आ गई, ये आई थिंक आपको मैनेजमेंट में भी पढ़ाया रहेगा, कोऑर्डिनेशन की कमी आ जाती है। एंड कभी कभी प्राइजेस ऑफ इनपुट्स बढ़ जाते हैं, ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से क्या होता है, आप जिस रेट से इनपुट बढ़ा रहे हैं उतना रेट से आपका आउटपुट नहीं बढ़ रहा है। इज एवरीबडी देयर? दिस इज द एंड ऑफ द थर्ड चैप्टर। कोई डाउट है? इतना भी करके जाओगे अच्छे मार्क्स आएंगे बहुत। नेक्स्ट इज थ्योरी ऑफ कॉस्ट। नेक्स्ट इज थ्योरी ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब होता है कोई ना कोई सैक्रिफाइस, कोई ना कोई सैक्रिफाइस। सो देयर आर फोर टाइप ऑफ कॉस्ट्स, टाइप्स ऑफ कॉस्ट्स। पूरा स्पेस यूटिलाइज करना, फोर टाइप ऑफ कॉस्ट्स। तीसरे में एक्सप्लेनेशन ज्यादा है, उस हिसाब से लिखो। सो पहला होता है मनी कॉस्ट। मनी कॉस्ट वो चीज है जहां पे पैसों में प्राइस दी जाएगी। आपने पेन खरीद लिया, नोटबुक खरीद लिया, है ना, ये सारा का सारा चीज आप कैसे देंगे, पैसों में पे करेंगे। सो कंसिडरेशन इज पेड इन द फॉर्म ऑफ मनी, ये लॉ में हो गया। दूसरा है रियल कॉस्ट। दूसरा है रियल कॉस्ट, ये मार्शल ने बताया, ये मार्शल ने बताया। इसमें आएंगे ऑल काइंड ऑफ एफर्ट्स प्लस सैक्रिफाइसेस दैट इंक्लूड्स मनी। कोई डाउट है क्या? कोई सैक्रिफाइस में पैसा भी तो सैक्रिफाइस किया, टाइम सैक्रिफाइस किया, समझ लेना हेल्थ सैक्रिफाइस की, नीड सैक्रिफाइस की, वो सब कुछ आएगा रियल कॉस्ट। नेक्स्ट वन इज इकोनॉमिक कॉस्ट। इसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन है, थोड़ा सा एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट एंड नॉर्मल प्रॉफिट। ये दिख के आएगा, दिस इज कंप्लीटली विजिबल, दिस मे बी इनविजिबल एंड दिस इज रिक्वायर्ड टू स्टे इन बिजनेस। दिस इज रिक्वायर्ड टू स्टे इन बिजनेस, नहीं तो कोई मतलब नहीं बिजनेस करने का। दिस इज रिक्वायर्ड टू स्टे इन बिजनेस। सो एक्सप्लिसिट में कौन सा आएगा? इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरा तो वो आएगा क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन अब समझ लो आपने अपने घर को ऑफिस में कन्वर्ट किया, ये भी तो एक सैक्रिफाइस है, लेकिन ये दिख के नहीं आ रहा है, ये इनविजिबल है, तो ये कहाँ आएगा? इम्प्लिसिट में आएगा। नॉर्मल प्रॉफिट वो अमाउंट ऑफ मनी है जो आपको कमाना चाहिए अगर आपको बिजनेस में रहना है। तो इकोनॉमिक कॉस्ट में इन तीनों का बेसिकली क्या आएगा? एडिशन। क्लियर? सही से लिख के लेना, पेशेंस रखना, मुझे पता है बहुत दिख रहे हैं आपको, पर आपके साथ मैं भी तो लिख रही हूँ। द नेक्स्ट इज ऑपर्चुनिटी कॉस्ट। Opportunity cost has been already discussed. Opportunity cost क्या है? It is the cost of next best alternative that has been foregone, जो आप नहीं opt कर पाए। अगला है private cost versus social cost. This is cost borne by
private sectors. कैसे लवासा बांध की स्कैम करो प्राइवेट सेक्टर, तो ये जो है दिस इज प्राइवेट कॉस्ट, जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर ने इंडिविजुअल इंसान ने बेयर कर ली प्राइवेट कॉस्ट. सोशल कॉस्ट इज बोर्न बाय होल सोसाइटी या फिर इन शॉर्ट गवर्नमेंट. जैसे आपने पॉल्यूशन किया भोपाल गैस ट्रेजेडी, वी आर अवेयर ऑफ इट, दैट कॉस्ट वॉज पेड बाय होल सोसाइटी. लोग तो नींद में ही मर गए थे. दैट्स इट. दीज आर टाइप्स ऑफ कॉस्ट वी रिक्वायर. नेक्स्ट इज कॉस्ट फंक्शन. गाइस ये खत्म होने को, इसमें इतना ज्यादा कुछ है नहीं. कॉस्ट फंक्शन explains functional relationship. It explains functional relationship. Between cost of production and physical quantity. यानी आपने डाला कितना इनपुट वर्सेस कितना आउटपुट आपको मिला. जहां पे शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन कॉस्ट हैं, फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट हैं. Based on period, and based on payment. Based on payment type of fixed and variable. And based on period type of short run and long run. सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट रन का मतलब क्या होता है. शॉर्ट रन में एटलीस्ट एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फिक्स्ड होता है. ये चाहिए तो लिख लेना. शॉर्ट रन में एटलीस्ट वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज फिक्स्ड. That's it. Fixed variable हो गया. Fixed कैसा है? Irrespective of usage आपको pay करना पड़ेगा. Variable वो है जो usage के हिसाब से आप pay करेंगे. Next is cost curves. पहले केस में मैं आपको TC BC and FC explain करूंगी, where the relationship is total cost is fixed cost plus variable cost. कोई doubt है इसमें? Total cost दोनों का addition होता है. Now fixed cost जो है ना वो irrespective of production उतना ही होगा. Is it clear? So this is cost and this is number of units produced. So straight line aayega. It's going to be a straight line. Then variable cost ka aisa nahi hai. Jab aap kuch bhi nahi bana rahe ho to variable cost kya aayega? Zero aayega. यहाँ पे कोई डाउट है तो पूछ लेना गाइस. एंड
यहीं पे टीसी स्टार्ट हो जाएगा. टीसी इज इक्वल टू बीसी प्लस एचसी. क्लियर? ना. ऐसा क्यों है? क्योंकि समझ लेना, आप फिलहाल कुछ भी नहीं बना रहे हैं, महीने का पहला दिन है और संडे है, तो प्रोडक्शन नहीं हुआ. प्रोडक्शन नहीं हुआ तो वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाएगा? जीरो. लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट तो होगा ही ना. सो टीसी विल बी इक्वल टू एफसी व्हेन द क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड इज गोइंग टू बी जीरो. ये समझा आपको? लिख देना है. एक मिनट है, नोटिस कोई प्रॉब्लम है तो ऑनलाइन वाले को बता देना. अगला है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट. सेकंड, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड. बस एक सिंपल एक्सप्लेनेशन लिखती हूँ, पे अटेंशन गाइस. सपोज आपका रेंट 20,000 है, जो आपका फिक्स्ड एक्सपेंडिचर है. फिर आप पहले महीने में 10,000 यूनिट्स बनाते हो तो आपका एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट कितना आएगा? 2 रुपया. ये समझा आपको? अगले महीने में आप एक ज़बरदस्त एक्सपांशन लाते हो और आपने अगले महीने में बना दिए 20,000 यूनिट्स. अब आपका एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कितना आया गाइस? वो 1 रुपया आया. यानी कि जैसे जैसे आप क्वांटिटी बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या हो जाएगा? कम होते जाएगा. सो हायर इज द क्वांटिटी, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट लोअर हो जाएगा, लेकिन टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कांस्टेंट होगा. ये समझा क्या? ये कैरफुली देखना एग्जाम में पूछा क्या है. एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट के साथ क्या हो जाएगा? वो कम हो जाएगा, लेकिन टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या हो जाएगा? कांस्टेंट होगा. सो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा. रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. नेक्स्ट ग्राफ है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. अब इतने बड़े चैप्टर्स नहीं बचे हैं. सो कल गाइस 11 बजे गूगल मीट पे स्टार्ट होगा. मैंने वैसा मैनेजमेंट को इन्विटेशन दे दिया है, तो एक एक घंटा लेट चालू होता है तो टाइम बहुत वेस्ट होता है उसमें. पर टेक्निकल इशू के लिए कोई कर भी नहीं सकता, किसी की गलती नहीं है. जाले ईशा पैसा भी जाले ड्रॉ करूँ. एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, अगेन दिस इज गोइंग टू बी कॉस्ट एंड दिस इज आउटपुट. एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पहले तो इकोनॉमीज की वजह से कम होता है, फिर डिस इकोनॉमीज की वजह से फिर से बढ़ जाता है. सो कम वाले पार्ट को लिख देना इकोनॉमीज एंड ज़्यादा वाले पार्ट को बोल देना डिस इकोनॉमीज. ये वर्ड्स आए हो सबको याद है, इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज. वही एवरेज कॉस्ट के साथ भी होता है, दोनों का ग्राफ सेम ही होने वाला है. दोनों का ग्राफ सेम होने वाला है. इनफैक्ट मार्जिनल कॉस्ट का भी ग्राफ सेम होने वाला है, तीनों का सेम. अगला है मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट को साथ मिलाना. ये सबको याद है क्या? दोनों साथ में बढ़ेंगे और साथ में कम होंगे. yes.
लेकिन जब बढ़ेंगे तो मार्जिनल फास्ट बढ़ेगा, और कम होगा तो भी मार्जिनल फास्ट कम होगा. सो वॉट एवर द ट्रेंड इज गोइंग ऑन, मार्जिनल उसको लीड करेगा. ये समझा? तो अगर मैंने एक डायग्राफ आपको दिया है, समझ लेना ये वाला एक ग्राफ है और ये वाला दूसरा ग्राफ है. तो ग्राफ वन क्या आएगा और टू क्या आएगा? कौन फास्ट कम हो रहा है? वन, है ना, क्योंकि ऊपर है तो टू स्लो कम हो रहा है. सो ये वाला आएगा मार्जिनल कॉस्ट, ये वाला आएगा एवरेज कॉस्ट. क्लियर? मार्जिन पहले बढ़ने लगेगा, एवरेज बाद में बढ़ेगा. ये पक्का समझा गाइस? पक्का? इकोनॉमिक्स डिसइकोनॉमिक्स बचा है और रेवेन्यू बचा है, दैट्स इट. सात आठ मैक्सिमम 10 में, फिर थोड़ा सा ब्रेक लेंगे और फिर मार्केट सॉल्व. पांचवा चैप्टर, पांचवा झाला की आज थांबूया. चलो नेक्स्ट इज लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व्स. तो लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व में बेसिकली जो कॉस्ट कर्व मिलेगा, जो सारे एसएससीज को साथ में मिला के लाएगा. सो ऑल द स्मॉलर वंस आर शॉर्ट रन कॉस्ट एंड बहुत सारे ग्राफ कलेक्ट करने हैं ऐसे, सो ऑन, तो आपको क्या मिलेगा? एलएससी. प्लानिंग कर और एनवलप कर. कोई डाउट गाइस? सारे ग्राफ्स एग्जाम के दिन एक बार देख लेना. नेक्स्ट इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल. ज़्यादा है? हाँ ये बस मैं आपको लिखने लिखवाने वाली हूँ, ये होमवर्क के लिए है. इकोनॉमीज में फिर से कौन से दो बाइफर्केशन आएंगे? एक आएगा इंटरनल और दूसरा आएगा एक्सटर्नल. ये आपको बेनिफिट मिलने वाला है, मैनेजमेंट अच्छा है, रॉ मटेरियल जल्दी आता है. एक्सटर्नल में आएगा अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही हैं. बारिश हो रही है. नेक्स्ट नेक्स्ट इज डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल. यहां पे भी दो बायोफर्केशन आएंगे, इंटरनल एंड एक्सटर्नल. ये वाला पार्ट होमवर्क के लिए है, ये आप समझ जाएंगे. जैसे इंटरनल में आएगा झगड़े हो गए, एक्सटर्नल में आएगा रिसेशन हो गया. डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल. चलो अगला है इंपैक्ट ऑफ इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज. इंपैक्ट ऑफ इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज. ओरिजिनल एलएससी कर्व है. इकोनॉमीज की वजह से कॉस्ट कम हो जाता है तो ग्राफ नीचे शिफ्ट हो जाएगा, एंड डिस इकोनॉमीज की वजह से कॉस्ट बढ़ जाता है तो एक ऊपर आ जाएगा. दैट्स इट. इकोनॉमीज की वजह से कॉस्ट कम होगा, डिस इकोनॉमीज की वजह से कॉस्ट ज्यादा आएगा.
आखिरी कॉन्सेप्ट फ्रॉम दिस चैप्टर, दैट्स रेवेन्यू. गिव हेडिंग कॉन्सेप्ट्स ऑफ रेवेन्यू. अब पैसे कमाएंगे, खर्चा किए, अभी कमाने की बारी. कॉन्सेप्ट्स ऑफ रेवेन्यू. पहला है टोटल रेवेन्यू, विच इज प्राइस इनटू क्वांटिटी सोल्ड, विच इज ऑल्सो इक्वल टू समेशन ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू. फिर है एवरेज रेवेन्यू, दैट इज टोटल रेवेन्यू अपॉन क्वांटिटी. नेक्स्ट इज मार्जिनल रेवेन्यू, विच इज चेंज इन टोटल रेवेन्यू ड्यू टू चेंज इन क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, विच इज TRN minus TRN minus. Two graphs are from this topic, and then we go on a break. अगला है ARNMR under perfect market. AR and MR under perfect market. Perfect market में price will be equal to average revenue, will be equal to marginal revenue. यहाँ पे change नहीं होगा, उनके पास कोई खास scope ही नहीं है कि price change करे. AR and MR under imperfect market या monopoly जैसा market, under imperfect market या monopoly जैसा market, एक मिनट गाइस, मेरी बैटरी मंगवा रहा हूँ, चार्जर मंगवा रहा हूँ. हम क्या करेंगे फिर एक बार, अगर मैं आपको दो ग्राफ देने वाली हूं, क्लियरली ये वाला बहुत फास्ट ड्रॉप हो रहा है और ये वाला क्या हो रहा है, स्लो ड्रॉप हो रहा है. ये है इंपरफेक्ट मार्केट का कंडीशन. इज इट क्लियर? कैन गो ऑन ब्रेक. एग्जैक्टली गाइस, 7-8 मिनट में वापस आना. अगला चैप्टर होने के बाद वी आर स्टॉपिंग फॉर द डे. वेलकम बैक एवरीवन, लेट्स गो. द नेक्स्ट इज, नेक्स्ट टॉपिक इज मार्केट. सो मार्केट इज अ प्लेस वेयर अ बायर एंड सेलर वुड मीट, कभी कभी फिजिकली, कभी कभी वर्चुअली. फिजिकल वो है जहाँ पे भाजी बाजार है, एंड वर्चुअल वो है जहाँ पे अमेज़न है. ठीक है, अगला है क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट. ये नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट हेडिंग,
classification of market. Classification of market. जहाँ पे तीन टाइप की क्लासिफिकेशन होंगे, पहला है बेस्ड ऑन एरिया ऑफ बेस्ड ऑन एरिया, दूसरा है बेस्ड ऑन टाइम एलिमेंट, बेस्ड ऑन कॉम्पिटिशन। सो एरिया वाला तो बहुत ईजी है, लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल। लोकल यानी कि भाजी बाजार, नेशनल एंड इंटरनेशनल। वेरी शॉर्ट पीरियड का मार्केट या शॉर्ट पीरियड थोड़ा ज्यादा, एंड तीसरा आएगा लॉन्ग पीरियड वाला मार्केट। बेस्ड ऑन कॉम्पिटिशन लिख पाएंगे परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट में फिर से तीन कैटेगरीज आएंगी, मोनोपोली, ओलिगोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। ओलिगोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन में क्या आएगा? देर विल बी मेनी बायर्स, मेनी सेलर्स। देर विल बी परफेक्ट नॉलेज बाय कंज्यूमर्स इन मार्केट, एंड देयर विल बी एन इक्विलिब्रियम, जो हमने ऑलरेडी किया है। ये है सप्लाई कर्व, ये है डिमांड कर्व, ये है इक्विलिब्रियम। ये हो गई इक्विलिब्रियम प्राइस, ये हो गई इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ये परफेक्ट मार्केट के किस्से हैं। मोनोपोली जैसा वैसे डिओपोली भी होता है कभी कभी, वो चाहिए तो वो भी ऐड कर लेंगे। मोनोपोली जैसा कभी कभी ड्यूओपोली भी होता है। वही मोनोपोली मार्केट में क्या होता है, एक ही जो सेलर है वो जबरदस्त प्लेयर होता है, ठीक है। अगले लाइन पे हेडिंग देना मोनोपोली मार्केट, उसके ग्राफ्स डिस्कस करेंगे जो भी है, जिसके लिए कोई फर्म सब्सटीट्यूट, क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं होता है। दे आर प्राइज मेकर्स, ये सबसे इम्पोर्टेंट उसका फीचर है, दे आर प्राइज मेकर्स। इन्हें शॉर्ट रन में या लॉन्ग रन में भी बहुत सारा प्रॉफिट मिल सकता है। वो कैसे? गाइस डायग्राम मेरे साथ ड्रॉ करना है, हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कैसे ड्रॉ करना है, लेकिन फिर भी मेरे साथ जाना। इतना होने के बाद रुकना, मतलब सब लोग ऊपर देखना स्टार्ट करना। सो आई नो आपका हो गया। इसको नाम देना PSOMR एंड क्यू। ठीक है, क्यू से Q को टच करके जो जाएगा वो आएगा आपका AR,
यहाँ पे नीचे से गाइस लेके जाना आपका MR कि दोनों ड्रॉप हो रहे हैं। आई होप सबको याद है ये हमने ड्रॉ किया था, यहाँ पे आ रहे गाइस MR हो गया। MR के थ्रू क्रॉस करके जाएगा, ऐसा ड्रॉ कर लेना MC। एंड यहाँ नीचे टच करके जाएगा, दिखाई दे रहा है मैं कहाँ बोलूँ, यहाँ नीचे टच करके जाएगा, इसको नहीं टच करना चाहिए, यहाँ नीचे टच करके जाएगा, एक मिनट, वो है AC, एक मिनट, गड़बड़ हो गया। यह है AC। प्रॉफिट होता है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। एक्स एक्सिस पे हम दे रहे हैं आउटपुट, वाई एक्सिस पे होगा कॉस्ट या फिर रेवेन्यू। सबकी डायग्राम बैठ गई ना अच्छे से? इक्विलिब्रियम वाली वो कंडीशन होती है जहां पे MC कट्स MR फ्रॉम बिलो, याद आया क्या होता है? MC कट्स MR फ्रॉम बिलो, ऊपर से नहीं। तो ये रहा मेरा MC और ये रहा मेरा MR, ये प्रिसाइजली मेरा क्या है? इक्विलिब्रियम। आया समझ में? इक्विलिब्रियम में मिल गया, दिखाई दिया। MC कर कट से मार फ्रॉम बिलो होना चाहिए, नीचे से होना चाहिए, ऊपर से नहीं। ओके, प्रॉफिट वैसे क्या होगा? चीजें बेची कितनी, OM बेचा एंड रेवेन्यू से करस्पॉन्डिंग ये वाला चीज है, तो दैट इज OP माइनस कॉस्ट है OM इंटू SO, ये वाला SO है, दिस इज कॉस्ट। नाउ OM आपके बाहर ब्रैकेट में लिख देना OP माइनस SO, लेकिन OP माइनस SO तो आता है PS, ये तो हो गया लेंथ इनटू ब्रेड्थ वाला कंडीशन, विच इज एरिया रेक्टेंगल PQRS, खत्म। एरिया रेक्टेंगल PQRS खत्म, इतना ही। यही डायग्राम इज ऑल्सो वैलिड फॉर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन के प्रॉफिट के लिए भी यही डायग्राम वैलिड। आया समझ में? तो मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में लॉस कैसे आएगा? प्रॉफिट होता है TR माइनस TC, लॉस होता है TC माइनस TR, इज इट क्लियर? चलो ऑन द नेक्स्ट लाइन, सबके दिमाग में जा रहा है ना सब कुछ? वहां पे लिखो लॉस अंडर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। मैंने जरा सीक्वेंस चेंज किया है, लॉस अंडर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। पहले बॉक्स ड्रॉ कर लीजिए। ये AR है, ये MR है, डन। दिस इज आउटपुट, दिस इज प्राइस। हाँ
बार एसी को हम ऊपर से लेके जाने वाले हैं. दिस इज एसी. नहीं गाइस, जरा सा इसको कट कर देना, लॉस बाद में करा, पहले इक्विलिब्रियम से शुरू करेंगे. ये एआरएमआर थोड़ा अलग आएगा आपसे. ये एआरएमआर थोड़ा अलग आएगा उसमें, वो बाद में करा. और मोनोपोली में लॉस वैसे होगा नहीं. अगले लाइन पे लिखते हैं ये हेडिंग, परफेक्ट मार्केट. गिव हेडिंग परफेक्ट मार्केट. सो पहला है इक्विलिब्रियम. सो इक्विलिब्रियम में ये हो गया ऑलरेडी कि एमआर कर्व जो है और ये एमसी कर्व जो है, वहां पे ए और बी अगर पॉइंट्स ले ले इंटरसेक्शन, तो मेरा बी जो है वो इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम पॉइंट. ऐसा क्यों है? क्योंकि एट बी एमसी इज कटिंग एमआर फ्रॉम बिलो. एमसी इज कटिंग एमआर फ्रॉम बिलो. ये हो गया मेरा इक्विलिब्रियम का कंडीशन. शॉर्ट रन में ये लोग एबनॉर्मल प्रॉफिट कमा सकते हैं. नेक्स्ट कंडीशन है एबनॉर्मल प्रॉफिट का, इन शॉर्ट रन ओनली. एबनॉर्मल प्रॉफिट कमा सकते हैं लेकिन शॉर्ट रन में जाना चाहिए. सबने लिखा ये? जरा मेरी तरफ ध्यान दे रहा है. बॉक्स ड्रॉ कर लेना जहां पे मार्जिनल रेवेन्यू इज एवरेज रेवेन्यू. ये आपका एसी कर्व आएगा और ये आपका एमसी कर्व आएगा. एस क्यू एंड आर ये आपके लेबल्स हैं. ओ एंड एम दिस इज आउट. अगले लाइन पे लिखना एबनॉर्मल प्रॉफिट. नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू टी आर माइनस टी सी. बात हम वही कर रहे हैं, टोटल रेवेन्यू आएगा ओ एम इंटू पी एस एंड टी सी आएगा क्वांटिटी इंटू कॉस्ट. जब आप ओ एम कॉमन लोगे सो पी एस माइनस एस ओ आएगा ओ एम इंटू पी एस. बट ओ एम और एस आर ऑपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल हैं, तो ओ एम की जगह हम लोग एस आर लिख पाएंगे. एस आर इंटू पी एस विच इज एरिया रेक्टेंगल पी क्यू आर एस. एरिया रेक्टेंगल पी क्यू आर एस.
करेंगे लॉस की कंडीशन स्टडी। बॉक्स आपको वही डालना है, लेकिन MR इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू P, ये अब नीचे वाले को देना है ना, लॉस का कंडीशन। अब आपका रेवेन्यू नीचे होगा कॉस्ट के, मतलब अब आपका ये एवरेज कॉस्ट है और ये मार्जिनल कॉस्ट है। क्लियरली आपका एसी जो है, कॉस्ट जो है, वो रेवेन्यू से काफी ऊपर है, तो आपको हो रहा है लॉस। एसी ऊपर है, देखो ऑब्जर्व करो, एसी काफी ऊपर, एसी यहाँ पर है और एआर यहाँ पे है, तो आपको हो रहा है लॉस। बाकी सब कुछ सेम ही है। लॉस इज इक्वल एसी माइनस टीआर, विच इज ओएम बार ओपी आपका कॉस्ट है एक्चुअली, एंड टीआर इज ओएम इनटू एसओ। फिर से बात वही कर रहे हैं, ओएम इनटू द ब्रैकेट ओपी माइनस एसओ, लेकिन ओपी माइनस एसओ तो होता है, ओपी माइनस एसओ इज पीएस एंड ओएम इज इक्वल टू एसक्यू बिकॉज दे आर ऑन द ऑपोजिट साइड। एरिया रेक्टेंगल पी क्यू आर एस, समझा आपको क्या क्या किया, कोई डाउट है? लॉन्ग रन में सबको नॉर्मल प्रॉफिट ही होगा। ऑन द नेक्स्ट लाइन रेट डाउन, इन लॉन्ग रन नॉर्मल प्रॉफिट इज नॉट, वहां पे इसी एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे सब कुछ इंटरसेक्ट करेगा। दिस इज एलएसी, दिस इज एलएमसी, एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली अ नॉर्मल प्रॉफिट। दिस इज आउटपुट एंड कॉस्ट और रेवेन्यू, एवरीथिंग विल इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट ओनली। That's it for perfectly competitive market. Perfectly competitive market में पहला केस किया हमने प्रॉफिट का, दूसरा किया लॉस का, और तीसरा किया नो प्रॉफिट नो लॉस, एवरीथिंग इज इंटरसेक्टिंग एट सेम पॉइंट। लास्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज डिस्क्रिमिनेशन बाय मोनोपोलिस्ट, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन। सो वहाँ पे लिखो डिस्क्रिमिनेशन बाय और डिस्क्रिमिनेशन अंडर मोनोपोली। सो फर्स्ट डिग्री का हो सकता है या सेकेंड डिग्री हो सकता है या थर्ड डिग्री हो सकता है। बेस्ड ऑन पेइंग कैपेसिटी ऑफ अ कंज्यूमर, सो जैसे गरीब लोगों को कम प्राइस में दे दिया राशन की दुकान, फर्स्ट डिग्री डिस्क्रिमिनेशन। सेकेंड डिग्री इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ यूनिट्स परचेस्ड,
जैसे आपने ज़्यादा चीज़ें खरीदी आपको प्राइस कम मिला, मतलब लगाया डिस्काउंट दिया। एंड थर्ड डिग्री सेलर के लिए डिस्क्रिमिनेशन डिस्क्रिटरी होता है। डिस्क्रिटरी मतलब क्या होता है, उसकी मर्जी से वो डिस्क्रिमिनेट करेगा। जैसे आपने अपनी दोस्त के लिए कम प्राइस लगा दिया, दिस इज डिस्क्रिटरी, अब उसके मन का। हो गया ही? बस एक चीज नोट कर लेना, अंडर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, ये मोनोपोली का खत्म हो गया। अंडर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन सबसे इंपॉर्टेंट होती है सेलिंग कॉस्ट, क्योंकि मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में प्रोडक्ट एक जैसा भी नहीं होता है। जैसे सोप इंडस्ट्री ले लिया, एक जैसा नहीं है प्रोडक्ट। फोन ले लिया, एकदम एक जैसा नहीं है। तो लोग क्या करते हैं, एडवर्टीजमेंट पे बहुत खर्चा करते हैं। जिसका मार्केट का रीच ज़्यादा है वो वाला क्या करेगा, एक्स्ट्रा पैसा कमाएगा। सो मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में प्रोडक्ट एकदम होमोजेनियस नहीं होता है, लेकिन एकदम डिफरेंट भी नहीं होता है ना। मोबाइल्स, सो जितना ज़्यादा आप मार्केट में रीच करोगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। ये है मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में। तो इनके लिए सेलिंग कॉस्ट क्या होता है, बेहद सिग्निफिकेंट, एंड एडवर्टीजमेंट होता है बहुत ज़्यादा क्रुशल। सेलिंग कॉस्ट इज हाईली सिग्निफिकेंट एंड एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट इज हाईली, और अदर एडवर्टाइजिंग इज वेरी वेरी क्रुशल। इज इट क्लियर? दिस इज द एंड ऑफ द फिफ्थ चैप्टर गाइज। हम लोग जब कल मिलेंगे तो बाकी भी कर लेंगे टॉपिक्स, तीन टॉपिक्स बचे। कल 11 बजे गूगल मीट पे मिलने वाले, मैं यूट्यूब पे पल्ले नहीं पड़ने वाले। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, आई सी यू अराउंड।